हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड, अक्सर हम बोलते हैं ना कि मैं जानता हूँ ये काम करना, जैसे कि मैं जानता हूँ मोबाइल रिपेयर करना, मैं जानता हूँ इंग्लिश में बात करना, मैं जानता हूँ मोल भाव करना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसको किस तरह बोले जाते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसको बनाने में, तो इस कंफ्यूजन को आज दूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने पूछा क्या आप जानते हो इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, या फिर क्या आप जानते हो इंग्लिश में बात करना, दोनों का मतलब एक ही होता है, डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। आप इसकी हिंदी आप किसी तरह बना सकते हो, जैसे कि आप जानते हो इंग्लिश में बात कैसे करते हो, या फिर क्या आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, दोनों की हिंदी एक होती है, आप दोनों की हिंदी बना देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मैंने लिखा डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात करना जानते हो। इसकी हिंदी आप इस तरह दो तरह से आप बना सकते हो, कि आप जानते हो इंग्लिश में बात करना, या फिर क्या आप जानते हो इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। अधिकतर हम यही बोलते हैं कि आप इंग्लिश में बात करना जानते हो। तो इसका राइट स्ट्रक्चर ये रहेगा, डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, तो आई नो इसका आंसर आप दे सकते हो आई नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, या फिर मैं जानता हूँ इंग्लिश में बात करना। तो इस तरह इसकी हिंदी होगी। आप दूसरे सेंटेंस हम देखते हैं, क्या आप जानते हो लैपटॉप रिपेयर करना, तो डू यू नो हाउ टू रिपेयर लैपटॉप, क्या आप जानते हो लैपटॉप रिपेयर करना। इसकी भी हिंदी दो तरह से आप बना सकते हो, क्या आप जानते हो लैपटॉप कैसे रिपेयर करते हैं, या फिर क्या आप लैपटॉप रिपेयर करना जानते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, जैसे आप बोलो उस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका रिप्लाई आप देख सकते हैं, मैं जानता हूँ लैपटॉप रिपेयर करना, जानते हो तो आप बोल सकते, नहीं जानते तो आप, जैसे कि मैं नहीं जानता तो आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर लैपटॉप, मैं नहीं जानता लैपटॉप रिपेयर करना, आप जानते हो तो बोल सकते हैं आई नो हाउ टू रिपेयर लैपटॉप।